नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, आज वापस से आईटी स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिली और अब आप कह सकते हैं निवेशकों के दिमाग में जो सवाल है, जो कि आपके स्क्रीन में भी दिख रहे होंगे कि आप देखें इंफोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इनमें से कौन सा स्टॉक हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा हो। तो कईयों को ये लगेगा टीसीएस, आईटी का नाम सुनता ही लोगों के मन में टीसीएस आते हैं। तो देखिए, अभी ना वैल्यूएशन वाइज मैं अगर आपसे पर्सनली शुरू में ही बात कर लूं तो मुझे एचसीएल टेक बहुत पसंद दोस्तों, ठीक है। एचसीएल टेक हो गया, विप्रो भी बहुत अच्छे वैल्यूएशन में, लेकिन इस वीडियो में बात करूंगा कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो कहाँ कह रहे हैं इन्वेस्ट करने को और उनकी क्या राय है आईटी स्टॉक्स में। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अभी कोई बहुत तेजी आईटी स्टॉक्स दिखाएंगे। मुझे बल्कि ये लगता है कि आईटी स्टॉक्स में एक वन ओनली लास्ट सेट ऑफ गिरावट और हो सकती है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए इन स्तरों में क्या निवेश करें नहीं करें और कहां तक जा सकते हैं, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेटिंग सीधा लेके चलता हूं उस आर्टिकल की तरफ। देखिए, इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, व्हिच स्टॉक डू एनालिस्ट रिकमेंड बाय, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन के ऊपर एक एक करके चलते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, शेयर्स ऑफ आईटी मेजर टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी एंड इंफोसिस हैव बीन मेजरली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्बुलेंस अक्रॉस द ग्लोब। द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर, इकोनॉमिक स्लोडाउन, हाईली वोलेटाइल ग्लोबल मार्केट्स एंड ब्लीक अर्निंग आउटलुक हैव डैम्पेंड सेंटिमेंट अराउंड द आईटी सेक्टर स्टॉक्स, ठीक है। आप कह सकते हैं कि भाई जो रशिया यूक्रेन वॉर, इकोनॉमिक स्लोडाउन और इतनी वॉलिटी है बाजारों में और आने वाले समय जो अर्निंग स्लोडाउन की बातें हो रही हैं, ऐसे में आईटी स्टॉक्स बहुत ज्यादा दबाव में है दोस्तों, ठीक है। आगे आप देखेंगे, द शेयर्स ऑफ थ्री आईटी मेजर्स विच कैटर टू क्लाइंट वर्ल्ड वाइड हैव फॉलन अप टू 22% लास्ट वन ईयर, व्हाइल इंफोसिस डाउन 15.33%। स्टॉक ऑफ, आप कह सकते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज, प्लंज 21.272% एंड शेयर्स ऑफ टीसीएस हैव लॉस्ट 18.34%। और दोस्तों, ये जायंट कंपनीज हैं और ये डिफेंसिव स्टॉक कहे जाते हैं। ऐसे में जो आईटी सेक्टर में पूरी तरह से जो गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या यही मौका है आप कह सकते हैं निवेश करने का। क्योंकि देखिए, जो मेजर कंपनीज है दोस्तों, आप देखें उसमें इंफोसिस 15% ज्यादा, एचसीएल टेक 21% ज्यादा, टीसीएस 18% ज्यादा टूट चुका है। ऑन ईयर टू डेट बेसिस द थ्री आईटी स्टॉक हैव लॉस्ट अप टू 30% ड्यूरिंग द पीरियड। और देखिए, जनवरी से अभी तक बात करेंगे तो उसमें 30% गिरावट हो चुकी है। इंफोसिस 30% गिरा हुआ है, एचसीएल टेक 30% लगभग गिर चुका है और द लीडिंग आईटी मेजर टीसीएस है दोस्तों, उसने लगभग 16.5% गिरावट दिखा चुकी है। और द आईटी सेक्टर इंडेक्सेस टू हैव फेल्ट द प्रेशर ऑफ द ऑनगोइंग इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड द बीएससी आईटी इंडेक्स हैज डिक्लाइंड 25.66% दिस ईयर एंड हैव फॉलन 18.43% इन द लास्ट वन ईयर। सिमिलरली द निफ्टी आईटी इंडेक्स इज डाउन 29% इन 2022 एंड लॉस्ट 21% लास्ट ईयर। यानी हर जगह केवल तबाही, केवल गिरावट का माहौल है। तो ऐसे में एनालिस्ट किस स्टॉक की ओर इन दिनों में इशारा कर रहे हैं खरीदारी का। तो देखिए, द Q1 अर्निंग परफॉर्मेंस ऑफ द लीडिंग इंडियन आईटी मेजर्स हैज नॉट बीन इनकरेजिंग व्हाइल लाइकली टू अफेक्ट देयर मार्जिन आउटलुक इन नियर फ्यूचर। डिमांड के साथ साथ जो मार्जिन दोस्तों, उसमें भी गिरावट की बातें चली जा रही हैं। द EBITDA मार्जिन फॉर आईटी कंपनीज श्रैंक फर्दर इन क्वार्टर 2023 एंड आर नाउ बिलो प्री कोविड लेवल्स फॉर टीयर वन कंपनी इन द सेक्टर। और जो ये जो गिरावट है दोस्तों EBITDA मार्जिन में, ये इतनी ज्यादा हो चुकी है कि टीयर वन में जो कंपनीज हैं उनकी जो मार्जिन है गिरावट, वो अब प्री कोविड लेवल से नीचे आ गए हैं दोस्तों। एंड द कंपनीज हैड रिड्यूस देयर मार्जिन गाइडेंस एट द स्टार्ट ऑफ 23, बट वी बिलीव कंटिन्यू प्रेशर ड्यू टू एलिवेटेड एट्रिशन लेवल इज लाइकली टू रिजल्ट इन मार्जिन ड्रॉपिंग नियर द लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस। ये ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि ये जो एट्रिशन रेट है दोस्तों, ये इतना ज्यादा दबाव डाल रहा है कि आने वाले समय में और थोड़ी सी मार्जिन में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। Here look at what analysts said about the outlook of the three stocks, which one among them can prove to be a better pick. अब बात करते हैं उन एनालिस्टों की कि भाई वो कौन सा स्टॉक है जो बहुत ज्यादा और सबसे शानदार होगा इन तीनों स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट के बाद। तो देखिए, पवित्र शेट्टी, को फाउंडर है ट्रेनर टिप्स टू ट्रेड के,
A strong sell-off in technology stock globally has led to a sharp re-rating even in the Indian IT sector, including Infosys. ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं दोस्तों कि जो आप जो एक स्ट्रॉन्ग सेल-ऑफ आपको इस बाजार में देखने को मिल रहा है, ठीक है, आप देखिए जो इसमें जो लगातार स्टॉक ग्लोबली देखने को मिल रहा है, वहां पे आप देखेंगे कि इससे इंफोसिस भी नहीं बचा है दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए इंफोसिस रुपीज 1045 रिमेन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और इंफोसिस का 1445 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। इंफोसिस नीड्स टू क्लोज अबाउ 1520 ऑन डेली बेसिस टू मूव कंसिडरेबली हायर टू रुपीज 1632-1700 इन द नियर टर्म। और अगर कोई थोड़ी बहुत तेजी इंफोसिस को दिखानी है तो उसे 1520 से ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और अगले दिन भी इस स्टॉक को ऊपरी स्तर पर सस्टेन देना पड़ेगा। सिमिलर टू द लार्ज कैप आईटी स्टॉक, एचसीएल टेक्नोलॉजी सीन अ सीवियर सेलिंग इन रिसेंट टाइम डिस्पाइट रोबस्ट फंडामेंटल, मेनली ड्यू टू ग्लोबली वीकर सेंटीमेंट। आईटी सेक्टर रिमेन्स 900 अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अ डेली क्लोज अबाउट 960 रिमेन टू रिक्लेम हायर टारगेट ऑफ 1025-1150। और एक्सेल टेक के लिए अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा मैं खुद बोलता आया हूं बिटवीन 890-910 एक्सेल टेक के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 1000 अगर ये 960 रुपए से ये कह रहे हैं कि अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर 1025 से 1150 तक का आपको ये लेवल आराम से दिखा देगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए चिराग कचाड़िया ये लीड आईटी एनालिस्ट हैं अशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की। इनका मानना है इन द लास्ट 5 इयर्स इंफोसिस आउट परफॉर्म टीसीएस इन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रन रेट। इंटरेस्टिंगली दिस टाइम बोथ कंपनीज हैव गिवन डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस ऑफ फाइनेंशियल 23। इंफोसिस दोस्तों टीसीएस को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आउट परफॉर्म किया है ग्रोथ रन रेट के हिसाब से, और दोनों ही कंपनीज इंटरेस्टिंगली इस बार डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस दिया है फाइनेंशियल 23 में। एंड द मैनेजमेंट रेज फाइनेंशियल ईयर 23 कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस टू 14-16% अगेंस्ट द अर्लियर ऑफ 13-15%। इट रिटेन्ड एबिटा मार्जिन गाइडेंस एट 21%-23%, बट एक्सपेक्ट्स टू अचीव द लोअर एंड ऑफ गाइडेंस गोइंग टू कॉस्ट प्रेशर। वी बिलीव रेवेन्यू ग्रोथ इज नॉट अ चैलेंज बट मार्जिन प्रेशर इज नियर टर्म कंसर्न फॉर द एंटायर आईटी सेक्टर, हैंस इट्स बेटर टू स्टे विद अस सेक्टर इन सच अनसर्टेन विद द टाइम विद फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड एंड वैल्यूएशन कंफर्ट, सो वी प्रेफर इंफोसिस, ठीक है। आप देखिए यही कह रहे हैं कि जिस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है आईटी स्टॉक में, स्लो डाउन आ रही है, और कंपनीज ने ऑलरेडी कहा है कि भाई स्लो डाउन आएगी पूरे पर इकोनॉमिक में, लेकिन इन एनालिस्ट का मानना है कि प्रॉब्लम स्लो डाउन से ज्यादा इनके मार्जिन्स में है, इसलिए नियर टर्म में आप देखेंगे कि मार्जिन डेंट होता दिखाई देगा, और इनके हिसाब से इसलिए इंफोसिस एक बेटर पिक हो सकती है, ठीक है। आगे चलिए मैं आगे बताऊं, ये है केतान सोनालकर, ये हेड रिसर्च यूनिवर्सिटी है। At this time, among TCS, HCL Tech, Infosys seems to be better investment proposition going by the result of quarter 2023. Infosys year-on-year revenue growth was the highest among these three at 23.57%. Quarter of 2023 also saw healthy deal wins with 19 new contracts, और quarter one के नतीजों में भी काफी अच्छी इनकी deal wins थी, लगभग 19 नए contract इन्होंने जीते थे, with the highest deal value being $1.69 billion. Infosys has also delivered the highest return top 3 IT companies over the past in 5 years, making it a more consistent performer for investor. Given the constant performance, Infosys has potential to outperform peer and can lead to previous high of 1900. और देखिए यही कारण है कि ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में Infosys एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो अपने peers को outperform करेगा, और दोस्तों Infosys काफी ज्यादा लोगों की पिक है, ठीक। आगे देखिए तो जो वाइस प्रेसिडेंट और हेड रिसर्च हैं शेयर इंडिया के रवि सिंह, उनका मानना है द आईटी सेक्टर इज ऑन परफॉर्मिंग प्रॉमिसिंग आउटलुक इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव वैल्यूएशन एंड रोबस्ट ग्रोथ मार्जिन। द लॉन्ग टर्म आउटलुक इज वेल सपोर्टेड बाय डेप्रिशिएटिंग रुपीस एज सेक्टर मिक्स मोड ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ओवरसीज मार्केट। यही कह रहे हैं कि जो लगातार करेंसी में मजबूती दिख रही है डॉलर की, ये आईटी कंपनीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ज्यादातर जो रेवेन्यू दोस्तों यूएस से आता है, एंड टीसीएस एसएल इंफोसिस आर लुक are good portfolio stock and have potential to deliver high ROE. However, Infosys stock is currently trading around value buying levels and may deliver better return in long term as compared to others. The long term target Infosys stand around 1540. यानी कि आप देखिए सबका favorite Infosys ही आपको उसमें दिखेगा।
तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज रिप्लाई कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, आप ऐसा करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलती है। ये यहाँ तक जुड़े रहने के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।